बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। ना सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर बल्कि कंगना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी इन दिनों कुछ ज्यादा ही छाई हुई हैं। हाल ही में आपकी अदालत नाम के शो में गई कंगना ने ऋतिक पर जमकर हमला बोला। सिर्फ ऋतिक ही नहीं बल्कि कंगना ने यहाँ करण जौहर को भी नहीं छोड़ा। दरअसल हुआ यूं कि जब आपकी अदालत में कंगना से पूछा गया कि आपने करण जौहर को मूवी माफिया कह दिया क्योंकि उन्होंने आपको अपनी फिल्मों में काम नहीं दिया, इसका जवाब देते हुए कंगना ने कहा, मैंने उनके साथ एक फिल्म की हुई है उंगली, उसमें मेरा 10 मिनट का रोल था, वो मेरी जिंदगी की सबसे फ्लॉप फिल्म है तो मुझे चाहिए ही नहीं उनसे रोल। कंगना की इन बातों को सुनकर करण जौहर कैसे शांत बैठ सकते हैं? करण जौहर कंगना की इन बातों से इतना बौखला उठे कि उन्होंने कंगना को लेकर ट्विटर पर अपना निशाना साधा। करण ने ट्वीट कर लिखा कि एहसान फरामोश लोगों की वास्तविकता की जांच होनी चाहिए। करण जौहर ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि डियर शट अप, मैं तुम्हें कई बार बोलना चाहता हूँ मगर मैं खुद को रोक लेता हूँ। बता दें कि करण जौहर के ट्वीट्स पर उनके फॉलोअर्स ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि कंगना तो आप पर सीधा निशाना साध रही हैं और आप उनका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। तो देखा आपने, कंगना को ट्वीट कर करण खुद ही फंस गए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सही है, आप किसका साथ देंगे, कंगना या फिर करण? अपनी राय और सुझाव के लिए हमें कमेंट करना ना भूलें। बॉलीवुड की स्पाइसी खबरों के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।